हाथी का घमंड। त्रिपुरा की लोक कथा। एक हाथी नदी पर पानी पीने गया। उसने देखा कि पानी बहुत गंदा है, अभी अभी कोई नहा कर गया होगा। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने सोचा, जिसने भी पानी गंदा किया है उसको मैं सजा दूंगा। उसने देखा कि एक साही नदी में नहा कर अपने बिल में घुस रहा है। हाथी ने उसको ठीक से नहीं देखा और वह नहीं समझ पाया कि यह कौन सा जानवर है, परंतु इससे ही वह चिल्लाया, तुमने मेरा पानी गंदा किया है। साही ने पूरा शरीर बिल में छिपाने के बाद केवल मुंह बाहर निकाला और हाथी को डांटते हुए कहा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझे इस तरह आंख मत दिखाओ, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। हाथी क्रोधित हो उठा और गरज कर कहा, तुम बाहर आओ। साही समझ गया कि यह मुझे देखना चाहता है। वह बाहर नहीं निकला। उसने मुंह से एक नुकीला कांटा हाथी की तरफ फेंका और कहा कि यह मेरे शरीर का एक रोम है। हाथी ने देखा कि यह एक रोम लोहे से भी कठोर व नुकीला है। ऐसा पशु तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, यह सोचते हुए वह वहां से खिसक गया। साही खूब जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि हाथी शरीर में मुझसे बड़ा है, परंतु वह बुद्धि में मेरे बराबर नहीं है।